शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। हाथ कह रोक लिया रणवीर के लिए, रणवीर के लिए भगवान जी को तो इंतजार ना करवा सके हैं हम। पूजा का एक मुहूर्त हो गया और मुहूर्त की बेला टाली ना जा सके है। रणवीर तो बाथरूम में भी ना है और यहाँ भी, और सुहाग की सेज वैसी की वैसी, जाने के हुआ कठे गया ही छू। बात तो जरूर है, रणवीर सारी हवेली में कहीं ना है, तो के रुक्मी को बिना बताए चला गया। हे माताजी महाराज, हमारी जीजी की लाज रखना, उनकी खुशी आपके हाथों में ही है। बापू, सारी रात यहाँ मंदिर में, अरे किसी के हाथ संदेशा भिजवा दिया होता। अरे किसके हाथ संदेशा भिजवा दी, मंदिर में तो पुजारी जी भी ना थे, सारी रात मरने छोड़ी ने ऐसे ही खड़ा रखा और खुद भी खड़ी है, जाने की सोच रही है, तो मती मारी गई है इसकी। अपनी जीजी को लेकर खुद तो परेशान है ही, मन ने भी परेशान कर रखा है। रसाल चल बेटा घर चल, सारी रात अपनी जीजी के लिए माता रानी से खुशियां मांगती रही, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। सचिन, हरी तसल्ली के लिए मैं हवेली फोन करूंगा,
थारी जीजी को पग फेरे के लिए लाना है वो बात भी हो जाएगी, और थारी जीजी कितनी खुश है इसका भी थारे को अंदाजा लग जाएगा। सौभाग्यवती रहे, थारी आरती सुनकर जीवन सफल हो गया। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है, जब तक सांस है तब तक हर सुबह थारी आरती सुनकर ही दिन की शुरुआत करूं। इसी तरह अपने संस्कारों से इस खानदान की परंपरा और इस हवेली के नाम की लाज रखना। जी तेरा बेटा नींदनी, थारे आने से घर का माहौल ही बदल गया। खुश रहे खुश रहे, मारे बेटे ने थारे से ब्याह करके मारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है बेदनी। सदा सुहागण रहे। भाभी साहब, क्या इसी तरह गाना गा के आपने मेरे भाई साहब का मन मोह लिया था? ठाकुर मदन सिंह जी का फोन आया। मैं एक पग फेरे की बात करने के लिए फोन किया होगा, मैं बात कर लेता हूं। घनी खम्मा मदन सिंह जी। खम्मा घनी ठाकुर साहब। मदन सिंह जी, एक ही रात में अपनी बेटी के याद में बेचैन कर दिया? नाना ठाकुर साहब, वो कुछ जी, इतनी सुशील और गुणवान छोरी तो उसके बिना घर तो सूना लगेगा ही। आपकी छोरी ने हम सबका मन जीत लिया। आपने हमारी छोरी को जैसी है वैसी स्वीकार कर लिया, सुनकर मन को बहुत संतोष हुआ। अब तो आपकी छोरी है, कोई भूल चूक हो जावे तो माफी कर दीजिए। चिंता मत कर। अब बात यह है कि पग फेरे की रस्म के लिए छोरी को ले जाना था, तो आपका हुक्म हो तो। भाई रीति रिवाज तो निभाने ही है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि मारे घर की बींदनी को अपने घर ज्यादा दिन मत रखना, हवेली अब उसके बिना जचेगी नहीं। इसकी आपकी आज्ञा। गणी खम्मा। खम्मा गणी। नाइन को संदेशा भिजवा दे कि आके गुड़ खोबड़ा ले जाए, और सारे गांव में निमंत्रण दे दे कि मारी बिंदड़ी की मुंह दिखाई के लिए सारे गांव को आना है। दादी साहब, मैं भी अपनी सहेली को बुलाऊंगी। अपने भाई साहब की शादी में तो बहुत अकड़ रही थी कि मेरी भाभी साहब कितनी सुंदर है, अब मैं भी अपनी भाभी साहब को दिखाऊंगी, फिर उसे पता चलेगा कि किसकी भाभी साहब ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, जरूर बुलाना, हमारी बिंदड़ी है ही इतनी सुंदर। ऐसी क्या गलती होगी भगवान जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मेरा सारा जीवन, सारी खुशियां मेरे लिए ही शाप बन गई हैं। तुम भगवान नहीं, तुम सिर्फ एक पत्थर,
सिर्फ पत्थर। मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने क्या किया? इतनी आसानी से मेरा विश्वास तोड़ दिया, धोखा दिया है मुझे। तुम भगवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तुम भगवान। रुक जाओ, आस और विश्वास की डोर जहां बांधने से कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। यहां से अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। यहां तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। अरे जब ये भगवान ये अपने भक्तों को धोखा दे रहे हैं तो फिर ये ताबीजों और धागों से क्या? बेटा, भगवान तो अपने भक्तों की माता भी हैं और पिता। भला माता पिता कभी अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं? वो तो जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता है और हम मंदमती उसे समझ नहीं पाते। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी ही रहती है, क्योंकि भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। दुख देने वाले भी तो यही हैं पापा। अब इनसे विनती करो, कुछ नहीं चाहिए मुझे इनसे, कुछ नहीं। इनसे विनती करके मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता। इसने किसको धोखा दिया है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपना दहिना पैर अंदर रख के गृहस्थी में कदम रख। बड़ी भाग्यशाली है ये, इसके होते हुए इस घर में धन धान की कभी कोई कमी नहीं आएगी। बिंदनी, हमेशा ध्यान रखना अपने घर वालों के मन तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरे है। एक अच्छी गृहिणी ही अपने घर को प्रेम से बांध कर रख पावे। चल तिलक करते। जीजी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है और सासरे वाले भी उससे बहुत खुश हैं। किसने कहा? जीजी ने? अरे बावड़ी, नई नवेली बीनड़ी है, फोन पे कैसे बात करेगी? हाँ, ये तो भंवर सिंह जी ने कहा। अरे रुक्मी के बहुत गुणगान गा रहे थे, आज ही बुलाया है पग फेरे के लिए लिवाने। हे माता जी महाराज, तुम्हारी अर्जी सुनो, हमारी चीजें पर अपनी कृपा बनाए रखना। रणवीर घर पे ना है? क्या मतलब है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, यहीं कहीं होगा। पूरी हवेली में ढूंढ कर आ रही, पर रणवीर का कोई पता ना, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। रणवीर हमारे को कहीं ना मिला, और तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीम जी, आप जरा आप इसे रख दीजिए, हम देख लें। जब मैं रणवीर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मारे को तो कुछ ठीक ना लगा। सब ठीक है, इतना शुभ दिन है, ऐसे दिन पे अपने मन में कोई संदेह न लाना और ना ही हमारे मन में कोई ऐसा बीज बोना। मैं रणवीर को फोन लगा, जट्ठे भी गया होगा, फोन साथ लेके गया होगा। कोई जरूरी बात होगी
पर ऐसा कैसे रणवीर बिना किसी को बताए घर से निकल गया? हमारे को भी यही लाके क्या हुआ? उठा नहीं रहा। छोरा फोन तो साथ लेकर गया है ना? अब ये पता नहीं भाई साहब, रणवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? लाओ मन्ने दो। क्या जवाब दूंगा मैं तायासो और पापा को? कैसे बताऊं उन्हें कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? हेलो रणवीर। जी तायासो। अरे बेटा कटे है तू? वो एक जरूरी काम था तायासो। अरे ब्याह की सारी रस्में पूरी नहीं हुई और थारे को जरूरी काम पड़ गया। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो थारे बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता था? अरे हाँ भाई साहब, वो फिरंगियों को विदा करने एयरपोर्ट जाना था। शायद वही हाँ तायासो, वो फॉरेन क्लाइंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। अगर मैं नहीं जाता तो उन्हें लगता कि हमें मेहमानों की खातिरदारी करनी भी नहीं आती। अरे बावले, तो थारे को जाने की क्या जरूरत थी? सुमेर सा को भेज दिया होता। जी वो मुझे लगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब थारा काम हो गया ना, तू घर आ जा। मदन सिंह जी पग फेरे की रस्म के लिए रुक्मणी को लेवाने आ। जी मैं आता। तायासा को खीर परोस। नहीं बेटा, जब तक रणवीर नहीं आ जाता कोई खाना नहीं खाएगा। हवेली का मान रखने के लिए अगर वो अपने ब्याह के दूसरे दिन ही काम पर जा सकता है तो हमें कम से कम खाने पर तो उसकी बाट देखनी ही चाहिए। और वैसे भी मुहूर्त की वजह से हमने उसके बगैर ही पूजा कर ली थी। आज रुक्मी ने अपने हाथों से रसोई में पहला पकवान बनाया है। अगर जे परोस दिया जाए तो तब तक रणवीर भी आ जाएगा और आप सब लोग गरम गरम खीर छक लेंगे तो इसे आशीर्वाद भी दे सकेंगे। ठीक है। बस बेटा आ गया। कठे क्या था बता के तो जाता। मैं ये सब बातें रहने दूँ और ये सोचूं कि रणवीर कितने सही समय पर हवेली में दाखिल हुआ। बींदिनी ने परोसना शुरू किया और रणवीर आ गया, कितना मीठा शगुन है। मासा ने सही कहा है, 36 में से 32 गुण मिले हैं। चलो चलो, अब सब कुछ ज्यादा इंतजार मत करवाओ रणवीर, आ जाओ बेटा। वाह, खीर तो बहुत सुंदर दिख रही है। सुंदरता कभी कभी धोखा भी होती है मोम। तो खीर खाइए, मेरी तबीयत जरा। रणवीर बेटा खीर तो चख लो। नहीं तायासो, मुझे नहीं चाहिए।